हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो देखिए, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। हमने चैप्टर 1 में मैटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद सेकेंड चैप्टर में जाना क्या मैटर प्योर होते हैं या नहीं। इसके बाद में हमने मैटर वाले चैप्टर में ही, यानी कि सेकेंड नंबर के चैप्टर में हमने समझा था एलिमेंट एंड कंपाउंड्स को, एलिमेंट भी समझा था और इसी में हमने कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा था। तो इस चैप्टर में क्या कहते हैं कि पुराने समय में जो एंशिएंट इंडियन और ग्रीक के फिलोसफर्स थे, वो सोचते थे इस अननोन फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। तो इस मैटर को और फर्दर डिवाइड करने का जो आइडिया था बहुत पुराना है, यानी कि अराउंड 500 BC, इतना यह टाइम पीरियड पहले इस चीज़ की बात चली थी कि किस तरीके से हम मैटर्स को डिवाइड करेंगे और वो छोटी से छोटा चीज़ क्या है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाए। सो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जब कहा गया वी सेल कम अक्रॉस, जब हम मैटर को इतना ज़्यादा तोड़ देंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा जिसकी हम फर्दर डिविजन नहीं कर सकते। सो उस पार्टिकल को क्या बोला गया, परमाणु नाम दिया गया। उसके बाद में अनदर इंडियन फिलोसोफर जिन्होंने क्या करा, एलाबोरेट दिस डॉक्ट्राइन, यानी कि सिद्धांत पर बात करी और इन्होंने कहा दैट दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। इन्होंने कहा कि ये जितने भी एलिमेंट्स या जो भी चीज़ हमें यहाँ पर इंडिविजुअल फॉर्म में मिल रही है, यही आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर को फॉर्म करते हैं। तो अराउंड दी सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम मैटर को और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पर जब जो स्टेज आएगी जब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उस स्टेज को बोला गया एटम्स। उसे क्या नाम दिया गया, एटम्स का नाम दिया गया। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसिडरेशन। तो ये सब क्या था, एक फिलोसफी पर डिपेंड था, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक नहीं था। लेकिन 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड और धीरे धीरे और इस तरीके से जब एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पता चला तब इनको फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सो एंटोनियो लेवेसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में डील करनी है वो है इनके लॉज के बारे में। तो पहला लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में आया। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ आते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, जब हम किसी भी गिवन इक्वेशन को H2+O2 गिव्स यू H2O, तो देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके समझे तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दो है। अगर हम किसी भी तरीके से अभी फिलहाल में इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं O एक रह गया। तो कहने का मतलब यही है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जितने अमाउंट सब्सटेंस हमने यहाँ पर मिलाया है तो जो बनकर आएगी चीज़ उसमें मास कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों के सम के बराबर ही यहाँ होना चाहिए। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसी बात को बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मास को बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। यानी कि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ जितना सब्सटेंस हमने इनिशियली लिया है, यानी कि रिएक्टेंट के टाइम में जो भी हमने सब्सटेंस लिया है, उतना ही हमें प्रोडक्ट के टाइम में उसी मास के बराबर का सब्सटेंस हमें मिलना चाहिए। तो यह था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। इसे समझते हैं। लेवोजियर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट द मैनी कंपाउंड वर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कहा गया है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, एंड ईच सच कंपाउंड हैज द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और यह बताया गया कि जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर के जो एलिमेंट रहते हैं वो भी सेम प्रोपोर्शन में मिक्सअप रहते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से मिलकर आया है या कहाँ से बना। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें H2O,
तो ये चाहे समुद्री पानी की बात करें, चाहे अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, इसमें H2 के दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ही रहेगा। सो देखिए इन कंपाउंड सच एज वाटर, वाटर की बात करें तो जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का, जब हम इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से 1:8 आया, फिलहाल में बस इतना समझिए कि जो रेशियो है वो 1:8 ही रहेगा। अब इससे मतलब नहीं है कि ये कहीं का भी पानी हो। अब उसी तरीके से जब हम अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया इज NH3, तो देखिए अमोनिया में 14 नाइट्रोजन और यहाँ पर 3 किसका रहेगा, हाइड्रोजन का मास की यहाँ पर प्रेजेंटेशन रहेगी। यानी कि नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है वह किस रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे, 14:3 के रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे। फिर वो कहीं से भी लिया गया हो, वट एवर द मेथड, किसी भी मेथड से ऑप्टेन किया गया हो या किसी भी सोर्स से लिया गया हो, इसका मतलब यह हुआ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि मास ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन यह कहता है कि किसी केमिकल सब्सटेंस में, यानी कि ना केमिकल सब्सटेंस की वो जो एलिमेंट उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्सड अप रहते हैं बाय मास, यानी कि मास का डेफिनेट प्रोपोर्शन ही उस एलिमेंट को फॉर्म कर रहा होता है, यानी कि उस एलिमेंट से मिलकर क्या बन जाता है, केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम साइंटिस्ट के लिए क्या आई, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वॉज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉस। तो अब बात यहां पर ये तो क्लियर होगी थी लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेकिन अब इसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देना था। तो जो साइंटिस्ट थे ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन, इन्होंने क्या करा, एक बेसिक थ्योरी दी नेचर ऑफ द मैटर के बारे में। तो इन्होंने इसी आइडिया को पिक किया है, डिविजिबिलिटी वाले आइडिया को। तो इन्होंने मैटर को बहुत ज़्यादा छोटा छोटा करते हुए ले गए, तो एक स्टेज ऐसी आई जिसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने उसे इन्होंने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया। एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम। आज के टाइम की बात करें तो हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक एटम इंडिविजुअल माना जाता था। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनकी थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। सो देखिए बेसिकली जॉन डेल्टन एटमिक थ्योरी, इसके पॉस्टुलेट्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें समझने होंगे इसके 5 to 6 पॉस्टुलेट्स हैं। तो देखिए पहला क्या कहता है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर हमें आसपास नजर आ रहे हैं जो कि ऑक्यूपाई स्पेस यानी स्पेस घेरते हैं जिसका अपना मास होता है, तो वह किससे मिलकर बने होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स इस टाइम पर कहा गया, जिसे कि ना तो बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एलिमेंट एटम को आप चाहे यह कॉपर का एलिमेंट कहीं से भी निकाल के ले आइए, तो इसका जो मास होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद कहा गया एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ कॉपर है और यहाँ पर एल्यूमिनियम का एलिमेंट एटम ले लेते हैं, तो एटम जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट के उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट ही होंगी। फिफ्थ पॉस्टुलेट बताता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर H2O बना रहे हैं तो डेढ़ यहाँ पर 1.5 हाइड्रोजन मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं है। यह हमेशा किस में मिक्सअप होते हैं, यानी कि जो कंबाइन होते हैं वह होल नंबर में होते हैं, यानी कि दो होंगे या एक होगा या पाँच होंगे, इस तरीके से कभी भी डेसिमल पॉइंट में इस तरीके से इसकी कॉम्बिनेशन नहीं होती। सिक्स्थ क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो एटम होंगे वह एक जैसे ही रहेंगे, जैसे कि ये वाटर ये कंपाउंड है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही टाइप के पाए जाएंगे, इसमें कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर डेट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि एटम को और ज़्यादा फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं वट इज एन एटम, एटम किसे कहा गया। तो बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम, यानी कि अगर हम किसी भी जो भी मैटर हमारे आसपास नजर आ रहा है उसका सबसे स्मॉलर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर के नाम क्या दिया, एटम नाम दिया गया। सो एटम कितने बड़े होते हैं इसके बारे में बात करें तो देखिए एटम्स आर वेरी स्मॉल और यह हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। जब मिलियंस ऑफ एटम को एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज कर दिया जाएगा तब एक पतली शीट पेपर की बनती है, जो कि हमारी ये जो पेपर होता है उसके
उसमें भी एक मिलियंस ऑफ एटम्स को जोड़कर इस तरीके से सीट तैयार होती है। एटॉमिक रेडियस की बात करें, देखिए रेडियस अगर है तो ये सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, तो इस रेडियस की बात करें तो नैनोमीटर में इसका रेडियस मेजर किया जाता है, यानी कि एक मीटर का 1/10 की पावर में 9 हिस्से जब कर देंगे तब यह किसके बराबर आता है, 1 नैनोमीटर के बराबर आता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मीटर में कितने नैनोमीटर, 10^9 नैनोमीटर। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव साइज बता दिया गया है। रेडियस में बात करें यानी रेडियस यानी रेडियाई में बोले तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना, 10^-10^-10। इसका मतलब है 1/10^10 यहाँ पर 10 बार इसके पीछे 0 प्लेस कर देंगे, यानी इतना छोटा एटम का रेडियस होता है। तो इस तरीके से जब हम एप्पल की बात करते हैं तो देखिए एप्पल का रेडियस कितना बताया गया, 1/10, यानी कि 0.1 मीटर के बराबर यह रहता है। तो इससे कंपैरिजन करें तो ये देखिए कितना ज़्यादा छोटा रहता है कि हमारे जो इमेजिनेशन है उससे भी ज़्यादा छोटा यह होता है। अब बात करते हैं वी माइट थिंक, अब हम सोच रहे होंगे कि अगर एटम इतना ज़्यादा छोटा है तो हमारे लिए इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो एंटायर वर्ल्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। बिना इनकी स्टडी करे हम उनके पार्टिकल्स और उनके स्ट्रक्चर और उनकी क्लासिफिकेशंस को भी अच्छे से समझ नहीं सकते। तो देखिए व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब एटम के बारे में पता चल गया था तब उसके बाद साइंटिस्ट इसको क्लासिफिकेशन करने में, इनके अलग अलग तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट करने में लगे हुए थे। सो डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल एलिमेंट्स को क्या दिया, सिंबल की फॉर्म में लिखने के बारे में सोचा। When he used a symbol for an element, he also made a definite quantity of that element. जब उन्होंने इस सिंबल को लिया गया तो यह सिंबल अपने आप में एक डेफिनेट क्वांटिटी को बता रहा है। That is one atom of an element. अगर यहाँ पर दो इस तरीके से लिए जाए तो ये दो हाइड्रोजन को डिनोट करेगा। तो हुआ क्या, बर्जिलियस एक और पर्सन थे, उन्होंने क्या करा, सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट बी मेड ऑफ फ्रॉम 1 or 2 letter ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो पहले जो दिया गया वह इस तरीके से सिंबल की फॉर्मेशन में दिया गया, इसके बाद में इसको नाम बदलकर दूसरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी गई। कहा गया पहले के टाइम में ये जहाँ पर भी पाए गए हैं उसी से रिलेटेड इनके नाम को रख दिया गया। जैसे कि द नेम कॉपर कहाँ से मिला, सिप्रस से ये मिला तो इसलिए इसका नाम रख दिया कॉपर। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आज के टाइम में एक संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो यह डिसाइड करती है कि किसी भी जो एलिमेंट आज के टाइम में डिस्कवर हो रहा है उसका नाम क्या होगा और उसका सिंबल क्या रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का नाम क्या रखा गया, H, यानी कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमें एल्यूमिनियम की बात करनी होगी तो एल्यूमिनियम को A लिखेंगे कैप्स में, और L जो रहेगा यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैप्स में रहेगा और सेकंड अल्फाबेट को हम हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, यानी कि लोअर केस में सेकंड अल्फाबेट आएगा। अब देखिए कोबाल्ट को अगर हमें लिखना है तो ये C बड़ा रहेगा और O छोटा रहेगा। इस तरीके से हमें इसकी सिंबल यानी कि इनके जो फॉर्मूले थे इस तरीके से हमें इसे लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। देखिए कुछ कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो है वो फर्स्ट लेटर से डिनोट हो जाते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके लिए हमें दो लेटर की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे कि बात करें कार्बन पहले आया तो कार्बन के लिए हमने C डिनोट कर दिया, कार्बन के लिए क्या अल्फाबेट लिख दिया, C। अब जब कोबाल्ट आएगा तो इसके लिए तो हम C अल्फाबेट नहीं लिख सकते, इसलिए CO लिखा गया। कॉपर के लिए कॉपर का जो कि लेटिन नेम क्यूप्रस था इस वजह से इसको CU से डिनोट किया गया। अब इसी पे हम देखते हैं कुछ सिंबल ऐसे हैं जिनके नेम लेटिन भाषा से लिए गए हैं, जर्मन से लिए गए हैं। जैसे कि आयरन का नाम Fe क्यों रखा गया, आयरन सिंबल को हम Fe से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि यह लेटिन नेम इसका फेरम था जिससे यह सिंबल आया है। सोडियम की बात करें सोडियम के लिए Na लिखा जाता है सिंबल, तो यह Na क्यों आया है, क्योंकि इसका जो नाम है वो नेट्रियम है। पोटेशियम का केलियम है इसलिए पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे हम यूज टू हो जाएंगे और उसी तरीके से हमारे माइंड में यह इनके सिंबल्स हमारे माइंड में सेटअप हो जाएंगे। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो देखिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है एटॉमिक मास को समझना। सो देखिए एटॉमिक मास क्या कहता है, मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का था वह यह एटॉमिक मास के बारे में बताना था। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। इनके अकॉर्डिंग यह कहा गया कि जितने भी एलिमेंट है उसका अपना कुछ तो मास रहेगा,
सो यह थियोरी यह बताती है द थियोरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल साइंटिस्ट वर प्रमोटेड. तो साइंटिस्ट अब किस चीज में फाइंड आउट करने में लगे, एटॉमिक मास निकालने में जुट गए, यानी कि एटम्स के मास के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO फॉर्म. ये बनती कैसे है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिक्स करने से बनती है. तो कार्बन इसमें कितना लेना है, 3 ग्राम कार्बन. जब 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेगा. अदर वर्ड्स में हम ये कहें कि कार्बन कंबाइंस, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 1 ग्राम कार्बन 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में मिक्सअप होकर क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेगा. यहाँ पे ग्राम की बात नहीं करते हम, बस इसे 1 यूनिट सपोज अभी करके चलते हैं. सो देखिए सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC, पहले जब ये एटॉमिक मास यूनिट था तो इसे AMU से डिनोट करते थे, लेकिन जब IUPAC ने इसको नेमी करी तो इसे सिर्फ और सिर्फ यू से ही डिनोट करते, यानी कि यूनिफाइड मास एज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम. और ये किसके बराबर होता है, कार्बन एटम के, 1 कार्बन एटम के मास के बराबर इसे बोला गया. देन वी वुड हैव होल नंबर. अब देखिए जब मास निकालने की बात आई तो एक्चुअली में इसका साइज इतना छोटा होता है कि जब हम इसके रियल मास की बात कर रहे हैं, देखिए एक होता है रियल मास और एक होता है रिलेटिव मास. तो देखिए रिलेटिव मास मींस एक हो गया इसका रिलेटिव मास. जैसे कि सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है, मान लेते हैं कि ये 5 किलो है और ये, अब हम इसका वेट निकालते हैं. तो देखिए ये 5 किलो है तो ये इसका रियल वेट है, लेकिन रियल वेट हमने 5 किलो कब पता चला होगा, जब हमने इसे किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करा होगा जिसके बेसिस पर हम इसे 5 kg कह रहे हैं. तो बेसिकली यही कंसेप्ट यहाँ पर भी आ जाता है कि रियल और रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है. तो देखिए जब रियल मास की बात करी गई तो इनका मास इतना छोटा आया कि हम इसे रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी. इसे याद करना, इसकी वैल्यूज को समझना हमारे लिए डिफिकल्ट होता गया. इस वजह से साइंटिस्ट अब किस चीज़ में लग गए, इस चीज़ में लगे ताकि वह इनको ऐसा मास बता सकें जिससे कि हम बाकी सारे एलिमेंट्स के मास को डिफाइन कर पाएँ. सो हाउ इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर एज अ होल नंबर. तो देखिए एटॉमिक मास को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा गया ताकि हम उसे होल नंबर में रिप्रेजेंट कर दें. तो सबसे पहले जो लिया गया वो ऑक्सीजन को लिया गया, यानी ऑक्सीजन एटम की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करी गई. तो क्या हुआ, जब एटॉमिक मास यूनिट की सर्चिंग हो रही थी उस टाइम पर साइंटिस्ट ने क्या करा, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन. इन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन को लिया और इसके 16 हिस्से कर दिए, यानी कि एक ऑक्सीजन के 16 हिस्से करने का मतलब इसके मास के 16 हिस्से कर दिए. अब इसका मास कुछ भी रहा होगा उसके 1/16 पार्ट इसके कर दिया. अब इसका जो 1/16 पार्ट किसी और एलिमेंट से कंपेयर कराया गया, यानी कि तोला गया या मेजर करा गया, तो सपोज कर लीजिए इसका 1/16 भाग यहाँ पर कोई एक ए सब्सटेंस है इसके बराबर आ गया, तो इसका नाम रख दिया गया 1. इसको कितना बोल दिया गया, 1. अगर यहाँ पर 2 ए के पार्ट को रखने पर इसके बराबर आया, या हम ये कहें कि यहाँ पर 1/16 दो बार रखा गया तब ये ए के बराबर, तो इसका मास हो गया 2. इस तरीके से हम यहाँ पर रियल मास ना निकाल कर किसकी बात कर रहे थे, रिलेटिव मास की बात कर रहे थे. हमने स्टार्टिंग में ऑक्सीजन को चूज़ किया. ऑक्सीजन को चूज़ करने का रीज़न यह था कि ऑक्सीजन जब बहुत सारे उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट फॉर्म्ड थे उसके साथ में मोस्टली यह बॉन्डिंग बनाता है, तो ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड. इसके अलावा इसे इसलिए भी लिया गया क्योंकि जब इसको इसके 1/16 भाग को जब बाकी के एलिमेंट के साथ में मेजर किया गया तो मोस्टली जो नंबर आए वो होल नंबर आए. लेकिन 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट बदल कर किसे बोला गया, कार्बन 12 आइसोटोप्स को बोला गया. तो हमारे लिए समझना, यहाँ पर कार्बन 12 को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. अब देखिए इस आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिलहाल में हमें इस पे आते हैं कि किस तरीके से इसके मास को डिफाइन किया गया. तो देखिए बेसिकली करा क्या गया, इसे हमें ध्यान से समझना होगा, रिलेटिव मास तभी हमारे समझ में आएगा. देखिए बेसिकली एक सपोज कर लीजिए कि ये कार्बन 12 एटम है, कार्बन 12 एटम में यहाँ पर 12 इसके हिस्से कर दिए जाएं, तो इसके हमने यहाँ पे 12 हिस्से कर दिए, तो हर एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 1/12 पार्ट के बराबर हो जाएगा. अब ये है एक हिस्सा जो कि 1/12 पार्ट के बराबर, हमने इसके कितने हिस्से कर दिए, 12 हिस्से कर दिए. जैसे हमने अभी ऑक्सीजन में कितने हिस्से समझे थे, 16 हिस्से,
उसी तरीके से समझ लीजिए कि वाटरमेलन है, इसके हमने 12 हिस्से कर दिए, तो हर एक हिस्सा किसके बराबर, 1/12 के बराबर। इसी एक हिस्से को हमने बोल दिया कि यह एक यूनिट है, हमने इसे क्या नाम दिया, यह एक यूनिट के बराबर है। तो अब देखिए, इसे अगर हमने एक यूनिट कह दिया, तो अब हमने यहाँ पर इस तरफ यहाँ पे रखा, और अब हम इसके यहाँ पर दूसरे चीज़ों को रखेंगे, अब इससे हम मेज़र करते चलेंगे। अगर हमने इसे मेज़र कर लिया, तो देखिए इसे हमने कितना बोला, एक यूनिट कहा है, तो यहाँ पर दो सब्सटेंस रखे हैं इक्वल साइज़ के होंगे, तो ये हमारा 0.5 यूनिट हो जाएगा, ये भी 0.5 यूनिट के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ पर दो के बजाय एक ही चीज़ को यहाँ पे रखा, यानी कि एक ही यहाँ पर एप्पल या कुछ भी सब्सटेंस को यहाँ पे रख दिया, तो इसका जो मास है वो हमने कितना बोल दिया, क्योंकि एक के बराबर आया, तो इसे भी हमने क्या नाम दे दिया, 1 यूनिट ही नाम दे दिया। तो क्या इसका हमने एक्चुअली मास निकाला, नहीं, हमने इसका एक्चुअल मास नहीं फाइंड आउट करा, हमने इसके मास को सिर्फ और सिर्फ रिलेट करा इस वाटरमेलन के पार्ट से। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पर एक्चुअल मास की बात तो कर ही नहीं रहे, हम कौन से मास की बात कर रहे, रिलेटिव मास की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो बेसिकली अब हम समझते हैं इस वाटरमेलन को कार्बन से। तो यहाँ पर वाटरमेलन का एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ किस लिए लिया गया है, कार्बन एटम को समझाने के लिए लिया गया है। तो बेसिकली देखिए, कार्बन जो 12 एटम वाला जो एलिमेंट को हमने यहाँ पे चूज करा, इसके हमने क्या कर दिए, 12 हिस्से कर दिए। तो हर एक हिस्से को जो कहा गया, उसे बोल दिया गया कि 1 यूनिट के वह बराबर है। 1 यूनिट के अगर ये बराबर है, तो इसके वेट किया गया, तो और जो एलिमेंट इसके बराबर आता गया, उसके हिसाब से हमने इसको मास दे दिया। यानी कि तो मास किस तरीके से डिफाइन कराया गया, तो हम यहाँ पर एक्चुअल मास ना लेकर हम कौन सा मास ले रहे हैं, रिलेटिव मास की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिमिलरली द रिलेटिव एटमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। इसका मतलब यह है, यहाँ पर 1 यूनिट किसे शो कर रहा है, एक्चुअल में हाइड्रोजन का अपना कुछ मास रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोजन के असली मास के बारे में बात नहीं कर रहे। हमने जब हाइड्रोजन को इस तरफ रखा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रखने पर यह एक वाटरमेलन के 1/12 पार्ट के बराबर आ गया, तो हमने कह दिया कि इसका मास कितना है, 1U के बराबर है। वहीं पर अगर हमने यहाँ पर कार्बन को देखे, कार्बन किसके बराबर है, 12, यानी कि जब हम यहाँ पर 12 छोटे छोटे पीसेस को रखेंगे कार्बन के, तो ये जाकर इसके बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये मास कितना हो गया कार्बन का, 12। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के मास को फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर जो ये मास निकल कर आया, वो कौन सा मास हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16U, तो उसे कितना बोला गया, 16U उसे नाम दिया गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया इनके मास को। अब बात करते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो देखिए, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में जो एटम होते हैं वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, या तो वह मॉलिक्यूल बनाते हैं, या वह आयंस की फॉर्म कर लेते हैं, यानी वो या तो वो आयंस की फॉर्म में होंगे, या फिर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे। तो पहले हम इसमें मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू, यानी कि टाइटली टुगेदर होल्ड टुगेदर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स। अब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए, ऑक्सीजन के बारे में अब तक हमने पढ़ा है, तो हम ऑक्सीजन को O से डिनोट नहीं करते, हमेशा O2 ही लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी O की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिपेंडेंटली। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो O2 या फिर ओजोन यानी कि O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर, एटम जब सेम एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ते हैं तो भी मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट जुड़ते हैं तो भी मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे कि H2O। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कब, जब वो H2 के साथ में बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसका मतलब अब ये इंडिपेंडेंट नहीं, अब ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। तो यह हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जब हो जाएंगे, जब एक ही टाइप के एटम से ये मिलकर बने होंगे, जैसे कि आर्गन हीलियम। तो आर्गन क्या है, सिंपल एक ही से बनता है, हीलियम भी एक ही से बनता है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके लिए O2 चाहिए, यानी ये कैसा है, मॉलिक्यूल हो गया डाई एटोमिक, दो एटम वाला। O3 ओजोन कैसा हो गया, ट्राई एटोमिक। सो द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल बनाने के दौरान में कितने नंबर ऑफ एटम उसमें लगे होते हैं, वही उसकी क्या हो जाती है, एटोमिसिटी हो जाती है।
तो एटमिसिटी के बाद में मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। तो अब हम इसकी बात बाद में करेंगे कि मेटल और ये कार्बन के बारे में अलग से हम देखेंगे, क्योंकि जो मेटल कार्बन रहता है वह बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। अब देखिए एटमिसिटी, जब हम आर्गन की बात कर रहे हैं तो मोनो एटॉमिक है, यानी कि एक ही एटम से मिलकर बना। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन अगेन डाई एटॉमिक, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो वी कॉल्ड इट H2। क्लोरीन की बात करते हैं तो Cl2, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो N2। फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा का मतलब चार एटम वाला, यानी कि फॉस्फोरस P4। सल्फर क्या है? पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे एटम्स, तो सल्फर क्या फॉर्म करता है? S8 फॉर्म करता है, यानी कि जब 8 सल्फर एक साथ मिलते हैं तब कहीं जाकर क्या बनता है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है, तब क्या बनता है, सल्फर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सल्फर के बारे में क्या बता रखा है, S8, यानी ये पॉली एटॉमिक है। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, जब अलग अलग एलिमेंट एक साथ जुड़ते हैं लेकिन कैसे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे कि हमने बात करी थी H2O के केस में 1:8 के रेशियो में, यानी कि यदि 9 ग्राम वाटर लिया जाएगा तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम उसमें ऑक्सीजन ही होगा। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होते हैं। सो जैसे यहाँ पे बता दिया गया H2O यानी कि 1:8, अमोनिया NH3 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, अगर हमने 44 ग्राम इसको लिया है तो इसमें 3 पार्ट किसके होंगे, कार्बन के, और 8 पार्ट किसके होंगे, ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 कार्बन, यानी कि 12 ग्राम हमने यहाँ पे कार्बन लिया होगा और 32 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन को लिया गया होगा, तब जाकर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अलग अलग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आयंस की। देखिए आयंस फॉर्म कब होते हैं इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, जब हम वैलेंसी और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल में हम सिर्फ इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको एप्लीकेशन लेवल पर लेके जाएंगे और वहाँ इसे अच्छे से समझेंगे। सो देखिए कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेंट चार्ज्ड स्पीसीज। कभी कभी क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं मेटल और नॉन मेटल से जो बने रहते हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, इसी चार्ज स्पीसीज को बोलते हैं एटम्स, इसे क्या नाम दिया जाता है, एटम। अब चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो इसे बोलेंगे हम कैटायन, और यदि चार्ज नेगेटिव है तो इसे हम बोलेंगे एनायन। अब कब पॉजिटिव कब नेगेटिव बनता है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल में यहाँ पे समझिए। जैसे कि एक केमिकल सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट, अगर हम इसके चार्ज पार्टिकल को देखें तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म यहाँ पर करता है। तो ये हो गया हमारे कैटायन, सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन। सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, जिस भी एटम्स के ग्रुप पे चार्ज रहता है उसे हमने क्या नाम दिया, पॉली एटॉमिक आयंस का नाम हम दे देंगे। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, अब देखिए केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले अगर हम चैप्टर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग हमें इसे लर्न कर लेना है, यानी कि सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर इनकी वैलेंसीज को इसे सिंबल की फॉर्म में इसे लर्न कर लेना है। लेकिन जब हम चैप्टर 4 पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सोडियम पर +1 ही आ रहा है, यानी कि सोडियम प्लस ही है, इस पर Na2+ क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ तक के लिए इस टॉपिक में वैलेंसी के कंसेप्ट को हम कब जानेंगे, अगले चैप्टर में। फिलहाल में बस इतना समझिए, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के जुड़ने की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है Na+, यानी कि ये एक एलिमेंट को जोड़ सकता है, किस एक चार्ज पार्टिकल को ये अपने से जोड़ सकता है। तो पॉजिटिव वाला किसको जोड़ेगा, नेगेटिव वाले को, यानी कि दोनों ही चार्ज अपोजिट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये सोडियम पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो फिलहाल में हमें इनकी वैलेंसीज को याद रख लेना। अब देखिए ये हो गए मोनोवैलेंट, क्योंकि इनमें जो वैलेंसी है वो सबकी कितनी है, 1 है। ये हो गए डाइवैलेंट, क्योंकि यहाँ वैलेंसी कितनी है, 2 है। और ये हो गए हमारे ट्राइवैलेंट, क्योंकि यहाँ वैलेंसी कितनी है, 3 है। वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल जानेंगे। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाना होता है और किस तरीके से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस होने चाहिए, किस तरीके से करेंगे इसे देखेंगे। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, तो जब कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा मेटल और नॉन मेटल से, तो मेटल को हमें पहले रिप्रेजेंट लिखना है और नॉन मेटल को हमें बाद में लिखना है।
जबकि वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल एंड आर रिटन ऑन द राइट, यानी कि उसे पीछे की तरफ लिखेंगे और मेटल वाले को हम आगे की तरफ लिखेंगे। जब कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा पॉली एटोमिक आयन से, तो हमें उसके लिए ब्रैकेट लगाना होगा, जैसे कि हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम। तो देखिए, ये हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा। लेकिन वहीं अगर ये पॉली एटोमिक आयन्स की संख्या 1 होती है, यानी एक ही पॉली एटोमिक आयन है, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या नहीं लगाना, ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अब हम इसे समझ लेते हैं। अगर हमें वैलेंसी ध्यान होगी तो हम आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना है, H प्लस और Cl माइनस। देखिए, प्लस का रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 लिखें ना लिखें एक ही मतलब है, तो हम यहाँ पे 1 हटा देते हैं, क्योंकि यह अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 है। इसके बाद में इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। हम इसे क्रॉस करेंगे और इसे कैसे लिख देंगे, HCl, जिसमें H बड़ा रहेगा, क्लोरीन का सी कैप्स में, एल छोटे में। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस होता है और सल्फाइड 2 नेगेटिव, तो ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा और इसका प्लस 1 इधर चला, यानी कि H2S1। लेकिन क्योंकि 1 को नहीं लिखते इसलिए हम यहाँ से 1 को हटा देते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, H2S। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो देखिए कार्बन की वैलेंसी है 4, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म करेगा, C, क्रॉस हो जाएगा, तो CCl4। अब देखिए आगे बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और क्लोरीन की 1 नेगेटिव, क्रॉस करेंगे तो बनेगा MgCl2। अब देखिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, इसे समझते हैं कि हम यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे। देखिए हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जब बात करी थी तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया था, OH के साथ में ब्रैकेट के साथ ट्वाइस कर दिया था MgOH। लेकिन जब हम MgCl2 की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एटम है, जबकि यहाँ पर ये सिंगल एटम है, क्लोरीन अकेला एटम है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की 3 प्लस और ऑक्सीजन की 2 माइनस, इसलिए जब हम क्रॉस करेंगे तो Al के सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा 3। फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का भी 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन का भी 2 नेगेटिव। अब देखिए दोनों के पास सेम चार्ज है, क्रॉस करेंगे तो Ca2O2। अगर ऐसा फॉर्मूला बनेगा तो हम यहाँ से दोनों से इस चीज़ को गायब कर देंगे और फॉर्मूला क्या रह जाएगा, CaO। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए कैल्शियम के पास में 2 वैलेंसी है तो हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड दे रखा है, तो सोडियम के लिए हमें क्या लिखना होगा, Na प्लस, ऑक्साइड के लिए 2 माइनस, क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखिए एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है और क्लोरीन पे 1 माइनस है, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3, जिसमें कि L दोनों ही कैसे रहेंगे, अब लोअर केस में रहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने समझ लिया MgOH का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पर बोला गया राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड, इनके कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। ये Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या है बेसिकली, बना कैसे होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, इसे इसी फॉर्म में हमें याद करना है। जब क्रॉस करेंगे तो देखिए एल्यूमिनियम के साथ में 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पहले से ही SO4 है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमें इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये बना एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस तरीके से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट लास्ट वाला देखते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट कुछ इस तरीके से ये रहेगा। क्रॉस करेंगे तो Ca2CO3, अब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 32 हो जाएगा, लेकिन हमें इसे ब्रैकेट में लिखना है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, इसलिए हमने इस 2 को दोनों तरफ से गायब कर दिया। फॉर्मूला क्या बना, CaCO3। अब ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही है। तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूले को लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, इसके सिंबल याद होने चाहिए, इनकी वैलेंसीज का पता होना चाहिए, तभी हम इनके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं मॉलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट। देखिए मॉलिकुलर मास की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स के हम यहाँ पर मास को देखा था, पढ़ा था,
इसके बेसिस पर हम किसी भी कंपाउंड्स के मास को निकाल देंगे। तो इसे हमने कैसे समझा था, कार्बन 12 के 12 हिस्से करने के बाद में इसके साथ कंपैरिजन करा तो ये 1/12 के बराबर आया, एक हिस्से के बराबर आया, तो इसलिए इसका मास कितना हो जाएगा 1। जब हमने 12 हिस्से रख दिए 1/12 के, तो जब हमने 12 हिस्से रख देंगे 1/12 के, तो यही पूरा मिलकर क्या बना देगा, एक कार्बन बना देगा, इसलिए कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 हिस्से के बराबर, यानी कि 12 के बराबर यह हो जाएगा। तो क्या हमने यहाँ पे एक्चुअल मास निकाला, नहीं, हम यहाँ पर रिलेटिव मास निकाल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम मॉलिकुलर मास की बात करेंगे तो यहाँ पर भी रिलेटिव मास यहाँ पर निकलेगा। सो रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का भी कैसा मास है, रिलेटिव मास है, क्योंकि हमने जब एलिमेंट्स का ही मास रिलेट करके निकाला है तो टोटल किस में एक्सप्रेस होगा, एटॉमिक मास यूनिट में। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि H2O की बात हम करें तो H2 में हाइड्रोजन का मास हमने पढ़ा 1U, ऑक्सीजन का पढ़ा हमने 16U। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो 1 से, तो ये 2U हो गया, ये 16U, यानी कि टोटल कितना हो गया 18U यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए H2 plus O2 gives you H2O, H2O क्या है 18U, H2 कितना था 2U, ये कितना था 16, और 2 हो गए तो 16 plus 16 32U। अब जरा ध्यान से देखिए 2 और 32 मिलकर क्या 18 बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो हमने यहाँ पर पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो तो यहाँ पर वॉइड हो गया, यानी कि वो तो यहाँ पर वैलिड ही नहीं रहा, तो इस वजह से हमें इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ता है। तो हमसे पूछा जाता है कि हमें इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी है, ताकि हम इसके मास को क्या कर सकें, इसके लॉ को वैलिड प्रूफ कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H2 plus O2 gives you 2H2O, अब इसे बैलेंस कर दिया गया है। अब देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4U आएगा, या 32U, 18 ये पूरा था, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हो जाएगा 36U। अब जोड़ के देखिए तो बराबर आ जाएगा। तो बैलेंसिंग की क्यों नीड पड़ती है, इसे हमने यहीं पर समझ लिया, बैलेंसिंग की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ करना रहता है, क्योंकि ना तो मास खत्म हो सकता है और ना ही बनाया जा सकता है ड्यूरिंग दी रिएक्शन, इसलिए हमें बैलेंसिंग सीखना पड़ती है। तो फिलहाल में हमें इस क्लास में बैलेंसिंग नहीं सीखनी, वो बैलेंसिंग हमें नेक्स्ट क्लास में सीखनी है। आइए अब देखते हैं इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं HNO3 की। तो देखिए हाइड्रोजन का 1U, नाइट्रोजन का हमने समझ लिया 14U, ऑक्सीजन का हमने समझा 16U, लेकिन यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, यानी कि तीन एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बनाया था, 16 × 3 यहाँ 48 हो जाएगा। अब इन तीनों को एड अप कर लेंगे, 63U यहाँ पर बनेगा। तो जिस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला उसी तरीके से फॉर्मूला यूनिट मास भी होता है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास में कोई डिफरेंस नहीं रहता, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस आ जाता है, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं और वहाँ पर क्या बोल देते हैं, इसे एटॉमिक मास यूनिट कह देते हैं। जैसे कि देखिए कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास कितना हो जाए, कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है वो है, यहाँ पे अगर हम कैल्शियम का निकालें तो कितना हो रहा है 20। अब देखिए कैल्शियम कैलकुलेट दी फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास कितना 40, क्लोरीन का मास कितना है 35.5, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं। अब इसे ऐड कर लेंगे 111U, इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा। अब देखिए लास्ट कंसेप्ट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में अब हम इसमें देखते हैं। देखिए 2H2 plus O2 gives you 2H2O, हमने यहाँ पर 2 क्यों लगाया, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम प्रूफ कर सकें। अब देखिए इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में, इस O2 का मतलब ही है एक मॉलिक्यूल, एटम भले ही दो से मिलकर बना हुआ है लेकिन ये मॉलिक्यूल कितना है, सिंगल एक मॉलिक्यूल है, और फॉर्म क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल, कितने वाटर के मॉलिक्यूल, अगेन दो वाटर के मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि 4U जब 32U के साथ में रिएक्शन करता है देन इट विल फॉर्म 36U। अब देखिए जिस तरीके से वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ एन सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास, इसकी क्वांटिटी को हम इसके मास से डिफाइन कर सकते हैं और इनके नंबर ऑफ मोल से डिफाइन, मॉलिक्यूल से डिफाइन कर सकते हैं। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर एक यूनिट की आवश्यकता हुई, वह क्या थी, मोल। हमने मोल की आवश्यकता क्यों हुई इसे देखते हैं। देखिए इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर अ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड एटम्स। हम यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स यू 2 मोल ऑफ
वाटर इस तरीके से बताएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा एज कम्पेयर टू हम इसके मास की बात करें कि हमने यहाँ पर 4U लिया, 32U लिया, इट विल फॉर्म 36U। इससे बेटर है कि हम इसे एक क्वांटिटी दे दें जिसको कि क्या नाम दिया गया, मोल का नाम दिया गया। जैसे कि हम कहते हैं कि 20, 20 बनाना या 24 बनाना, तो हम 24 बनाना ना कहकर क्या बोलते थे, 2 dozen बनाना। तो ये जो डजन है ठीक उसी तरीके से हमने किसका नाम दे दिया, यहाँ पर मोल नाम दिया है। अभी वन मोल किसे डिफाइन करता है इसे जरा यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए वन मोल डिफाइन करता है 6.022 × 10³ एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि हमने यहाँ जो वन मोल लिया वो कार्बन का ही लिया है। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली एवोगैड्रो नंबर कहलाया जाता है, क्योंकि यह जो नंबर दिया था इन्हीं ने, यानी कि एवोगैड्रो नाम के पर्सन ने दिया था, जिस वजह से इसका नाम पड़ा एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल कार्बन के एटम में, एक मोल कार्बन का एटम कब होगा, जब उस कार्बन के एटम कितने हो जाएंगे, 6.022 × 10³ इतने एटम अगर हम कार्बन के जोड़ लें तो वो किसके बराबर होगा, वन मोल के बराबर होगा। तो अब देखिए अगर मुझे बताना हो 12.044 × 10³ एटम है, इतनी बड़ी वैल्यू बोलने के बजाय अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि दो मोल कार्बन है, दो मोल कार्बन के एटम है। और इसे कैसे बता सकते हैं, यानी कि एक मोल में कितने ग्राम होंगे, 12 ग्राम कार्बन एटम अगर लिए जाए तो वो किसके बराबर होगा, वन मोल के बराबर होगा। तो वन मोल बेसिकली किसके बराबर है, जिस भी एटम की हम बात कर रहे हैं उसी के एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, उसी के एटॉमिक मास यूनिट के बराबर को हम क्या बोल देंगे, वन मोल कह देंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, इसलिए 1 ग्राम एच एटम मिलकर क्या बनाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ वैल्यू में कोई बदलाव नहीं, एवोगैड्रो नंबर सेम ही रहेगा। अब देखिए अगर मैं किसी भी एटम की बात करता हूँ एक मोल की, तो उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वही एक मोल के बराबर होगी। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो भी वह उसके रिलेटिव मास के बराबर ही रहेगा। इस तरीके से हम मोल को बता सकते हैं। तो जैसे कि देखिए 1 dozen में कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं, 1 gross में कितने होते हैं, 144 नंबर होते हैं। उसी तरीके से 1 mole कोई भी चीज़ हो, अब मैंने कहा 1 dozen shoes तो मेरे पास में दिमाग में अपने आप ही आ जाता है कि 12 shoes की बात यहाँ पर हो रही है। मैंने अगर कहा कि 1 dozen एप्पल तो इसका मतलब 12 एप्पल की हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि 1 mole हाइड्रोजन गैस तो इसका मतलब है इसमें कितने आइटम हो जाएंगे, हाइड्रोजन के टोटल H2 के एटम हो जाएंगे 6.022 × 10³। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की बात करूँ तो इसमें भी ऑक्सीजन के इतने एटम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से हम मोल को डिफाइन करते हैं। सो अब देखिए बेसिकली इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास में यहाँ पर बाय फॉर्मूला हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल के कंसेप्ट से हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पर मोल की बात हम कर रहे हैं। देखिए कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि एक मोल किसके बराबर होता है, 1 mole ऑफ हीलियम। अगर हम हीलियम एटम की बात कर रहे हैं तो यह बराबर हो जाएगा हीलियम एटम के एटॉमिक मास के, तो हीलियम एटम के एटॉमिक मास के बराबर के मास को हम क्या बोलेंगे, 1 unit mass, 1 mole कहेंगे। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास हीलियम का है 4U, तो ये 4U किसके बराबर हो जाएगा, 1 mole के बराबर हो जाएगा। 1 mole में अगर 4U है यानी कि 4 ग्राम में 1 mole है तो 52 ग्राम में कितना हो जाएगा, देखिए 13 times हो गया, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 mole ये वैल्यू हो जाएगी। बाय फॉर्मूला अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा, गिवन मास अपन मोलर मास। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं 12.044 × 10³ अगर हीलियम के एटम है तो कितने मोल होंगे, तो हम जानते हैं एक मोल में एवोगैड्रो नंबर चेंज नहीं होता, 1 mole ऑफ हीलियम एटम किसके बराबर हो जाएगा, इस नंबर के बराबर है। तो अगर 12.044 कर दिया तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे, नीचे एवोगैड्रो नंबर कितना मोल आएगा, 2 mole यहाँ से वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम मोल कंसेप्ट के थ्रू इस पूरी वैल्यू को ना बोलकर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 2 mole ऑफ हीलियम एटम को हमने यहाँ पर लिया है। अब देखिए बाकी के न्यूमेरिकल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें बताना है मास कितना होगा जब 0.5 mole ऑफ N2 गैस ली गई है। अब यहाँ पर N2 गैस की बात कर रहे हैं, हम N एटम की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, तो हम जानते हैं कि N2 का मतलब कितना हो गया, यानी कि N का मतलब हमने पढ़ा था 14 ग्राम, तो N2 कितना हो गया, 28 ग्राम।
यानी कि अगर 28 ग्राम इसका मॉलिकुलर मास है तो मोलर मास कितना हो गया इसका 28 ग्राम। 28 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, एक मोल के बराबर हो जाएगा जब हम गैस की बात कर रहे हैं N2 की। और हमसे पूछा है आधा मोल की वैल्यू, तो आधा मोल तो जब निकलेगा जब हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसे भी 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगी वैल्यू 14 ग्राम, या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसा कि यहाँ निकल के आया 14 ग्राम। सेकेंड केस देखिए, हमने 0.5 मोल लिया लेकिन अब किसका ले रहे हैं, एन एटम का ले रहे हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, जब हमने एन एटम लिया है तो एक एटम का मास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 14 ग्राम। तो इसी 14 ग्राम को हमने बोल दिया कि 1 मोल हो जाएगा। अब ये 1 मोल किसका है, 1 मोल ऑफ एन एटम, और ये ऊपर 1 मोल किसका था, ऑफ एन टू का, ये यहाँ पर किसका था, एन टू गैस का 1 मोल था। अब ये किसका 1 मोल है, एन एटम का। तो हमसे पूछा 0.5 मोल बताइए, तो आधा कर देंगे आगे तो 7 ग्राम आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए थर्ड क्या कहता है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एन एटम। तो हम जानते हैं एक मोल में कितने एन एटम होंगे, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, किसके, एन के। और वहीं इसका सेकंड फोर्थ वाले को लें तो 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब क्या हो जाएगा, एन टू मॉलिक्यूल। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एन टू मॉलिक्यूल। यहां पर कहता है कि हमारे क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर मास फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एन एटम का मास कितना होता है, 14 U, और यहां पर एन टू का मास कितना हो जाएगा, 28 U, या 28 ग्राम में बात कर लेते हैं, और यहां पर भी ग्राम में इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी कि एक मोल अगर 14 ग्राम एन एटम लिया जाए तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जबकि हमसे पूछा जा रहा है 3.011, यानी इसका आधा कर दिया तो मास भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मास कितना निकल कर आया, 7 ग्राम। सेकंड में देखिए 6.022, यानी मास में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर वेट में भी कोई चेंज नहीं आया, इसलिए वेट ही कितना रहेगा, 28 ग्राम ही यहाँ पर वेट रहेगा। तो ये हो जाता है कंसेप्ट। फॉर्मूले बेस पर हम इस फॉर्मूले को लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मूले को लर्न करने से अच्छा है कि आप इसकी समझ को अपने अंदर डेवलप कर लें। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं जब हमने एन ए एटम की बात करी तो हमें समझना होगा कि एन ए एटम का एटमिक मास कितना होता है, तो 23 ग्राम के बराबर इसका एटमिक मास रहता है। तो जब हम 23 ग्राम Na को लेंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद होंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर ग्राम कितना कर दिया, 46, यानी कि ग्राम को दोगुना कर दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दोगुने हो जाएंगे। तो पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 12.044 इंटू 10 की पावर में 23। तो देखिए बिना फॉर्मूला लगाए हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। या हम डायरेक्टली बाय यूजिंग फॉर्मूला इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। देखिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये क्या देता है, एक्चुअल में ये नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है। तो जैसा कि हमारे इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 23 ग्राम में एक मोल था, अगर हम बात करें 1 मोल, तो 46 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल। अब एक मोल में कितने पार्टिकल, इतने, तो 2 मोल में कितने, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे फॉर्मूले को भी रिप्रेजेंटेशन में ला सकते हैं। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो देखिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की यहाँ पर बात करिए और हमसे पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए बाय फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देख लेंगे कि 8 ग्राम में कितने मोल बनते हैं। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2, O2 कितना हो जाता है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32 ग्राम किसको डिनोट करता है, एक मोल को, जबकि हमने कितना लेना, 8 ग्राम लेना, यानी कि इसका 1/4 कर दिया है, तो मोल भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, इतने मोल अब यहाँ पर ये रहेगा। अब हम जानते हैं एक मोल में कितने पार्टिकल, 0.622 इंटू 10 की पावर में 23 पार्टिकल्स, तो 0.25 मोल में कितने हो जाएंगे, इससे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। वही इन्होंने यहाँ पर भी क्या है, देखिए 8/32 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या निकल कर आया, नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने एवोगैड्रो नंबर से, तो डायरेक्टली हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अब थर्ड देखिए क्या कहता है, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे।
हम जानते हैं एक मोल में कितने होते हैं, इसके बराबर रहते हैं। पॉइंट वन कर दिया तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट सिक्स इस तरीके से यहाँ पर कि हम पॉइंट हटाकर इसमें वैल्यू को चेंज कर दिया। तो देखिए या तो इस तरीके से लिख दिए 0.622 0.622 × 10³23, या इसे 22 कर दीजिए और पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए। तो दोनों ही तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में साइंटिफिक तरीका जो लिखने का नोटेशन वो ये करेक्ट है। अब जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने देखते हैं कि किसमें किस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, जिसके मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा। कहता है 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम आयरन लिया गया, तो हमसे पूछा है कि किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने का मतलब यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कितने ज्यादा होना, तो वह किससे डिफाइंड हो जाता है, मोल से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम सोडियम की बात करें तो 23U में यानी कि 23 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। तो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं 100/23 करके। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 56 ग्राम में यानी कि 56 ग्राम मिलकर कितना मोल आएगा, 1 मोल बनाएगा। तो 100 ग्राम कितना बना देगा, तो 100/56। अगर हम यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो 4 के समथिंग आएगी और यहाँ पर बात करें तो 2 के समथिंग आएगी, यानी ये अराउंड 4 मोल के करीब आएगा और ये 2 मोल के करीब आएगा। एक मोल में कितने पार्टिकल, 6.022। 4 मोल में ज़्यादा होंगे या 2 मोल में, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, एन ए वाला क्लियरली यहाँ से सिंप्लीफाई होकर क्या निकल के आएगा कि सोडियम के पास में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे जब हम 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन को लेंगे तब। तो इस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए अब इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास होता है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। रिएक्टेंट यानी कि जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जो बनकर आया उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को बोला जाता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद में जब भी एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। जो एटम होता है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, जिसे जो कि डेट कैन नॉट यूजली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, इस वजह से वह बाकी और कंपाउंड्स के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है और या तो वह खुद के साथ में ही बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अ केमिकल फॉर्मूला, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पाता है, जैसे कि O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। केमिकल फॉर्मूला जिसमें कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो उसके साथ में जुड़े हैं उसे हम दिखा सकें। क्लस्टर्स ऑफ एटम डेट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। आयंस की फॉर्म में रहेगा तो उन पर चार्ज भी रहेगा। केमिकल फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का कब निकाल पाएंगे, जब हम उसकी वैलेंसीज के बारे में पता होगा। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, वह आयनिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिसके ऊपर चार्ज रहता है। साइंटिस्ट ने जो मास की बात करी वो इसके एक्चुअल मास की बात ही नहीं करी, उन्होंने किसके बात करी, रिलेटिव मास की बात करी, और उन्होंने इसको किससे रिलेट करा, कार्बन के मास से रिलेट करा। अब C12 आइसोटोप्स को लिया गया जिसके वजह से यहाँ पर जो मास निकल कर आया, जितने भी एलिमेंट का अब तक हमने मास पढ़ा यानी हाइड्रोजन का 1U, एक्चुअल में इसका असली मास नहीं है हाइड्रोजन का 1, इसे किससे रिलेट करा गया, कार्बन 12 एटम के 12वें हिस्से से कंपेयर किया गया। एवोगाड्रो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10³23 इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 में 12 ग्राम है तो इसका मतलब 1 मोल हो गया, तो 1 मोल की ही वैल्यू को कौन बताता है, एवोगाड्रो नंबर। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के मास को क्या बोला जाता है, मोलर मास कहा जाता है। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल पोर्शन को हम अलग से कवर कर लेंगे और जो केमिकल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है इसे भी हम अलग से देख लेंगे। बेसिकली हम इसे बना सकते हैं जब हमें इसकी वैलेंसीज के बारे में पता होगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्विक लाइम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, क्योंकि इसका नाम इस चैप्टर में नहीं दे रखा है। बेकिंग पाउडर के लिए अलग से पढ़ेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बिल्कुल इसका यही करेक्ट नेम रहता है। बाकी जितने भी एलिमेंट के बारे में और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम अलग से वीडियो बना के कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर में अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।